नमस्कार, मेरा नाम है देव कुमार। मैं बोकारो जिला का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी 10th क्लास की CBSE बोर्ड में 97.2% मार्क्स अचीव किए हैं। मुझे घर में छोटे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बनाना बहुत पसंद है। मैं एक फिजिक्स लवर भी हूँ और मुझे क्रिकेट खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे स्कूल के टीचर्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं। स्कूल में रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाते थे, जैसे यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड, प्रैक्टिस टेस्ट। ये सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत हेल्पफुल साबित हुए हैं। मेरा ट्यूशन द विंसी इंस्टीट्यूट बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहा। वहाँ पे सिलेबस टाइम से बहुत पहले कम्प्लीट हो गया था। वहाँ पे टेस्ट कराए जाते थे और उन टेस्ट में कैश प्राइज दिया जाता था। इसी के वजह से मैं आज इतना अच्छा बोर्ड में परफॉर्म कर पाया हूँ। मुझे फ्यूचर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, इसीलिए मैंने 11 में PCM लिया है। मैंने सोचा था कि मेरे CBSE बोर्ड में 90-95% मार्क्स आएंगे, पर मुझे 97.2% मार्क्स प्राप्त हुए हैं और वो मेरे लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा। टाइम मैनेजमेंट person-to-person डिफर करता है। कोई उस कॉन्सेप्ट को एक घंटे में समझ सकता है, तो कोई बच्चा उसी कॉन्सेप्ट को 4 hours में समझ सकता है। स्कूल्स और ट्यूशन के टाइम को हटा दे तो मैं रोज रेगुलरली 1 घंटा मिनिमम तो सेल्फ स्टडी करता ही था। मैं जो भी वर्क करता हूँ, मैं पेशेंस के साथ और सेल्फ मोटिवेटेड होके करता हूँ। यही मेरा स्ट्रेंथ है, पर इससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ मेरे लिए मेरी फैमिली है। अगर आप कोई वर्क को लॉन्ग ड्यूरेशन में ख़त्म करते हैं तो वो हार्ड वर्क है, पर अगर वही वर्क को आप शॉर्ट ड्यूरेशन में ख़त्म करते हैं उसी इफेक्टिवनेस के साथ, तो वो स्मार्ट वर्क है। आपको पूरे साल हार्ड वर्क करना है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, पर एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 1 हफ्ते पहले आपको स्मार्ट वर्क करना है और अपना सिलेबस को 1-2 days में जल्दी फिनिश करना है। मोटिवेशन का तो ऐसे बहुत सारे सोर्स है और ये हर एक बच्चे के लिए अलग अलग होता है, पर मेरे जीवन में अगर कोई खराब डिवाइस को मैं क्रिएटिविटी और एक्सपेरिमेंट से उसे और अच्छा बना देता हूँ तो ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। अगर कोई वर्क को करते करते मुझे प्रेशर फील होता है तो मैं कोई और वर्क कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर मुझे पढ़ाई करते करते प्रेशर फील होता है तो मैं उस टॉपिक को वहीं क्विट कर देता हूँ, मैं गाना सुन लेता हूँ या मैं क्रिकेट खेलने चल जाता हूँ। इससे मेरा प्रेशर कम हो जाता है। जूनियर्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि आपको भी अगर बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने हैं तो आप स्कूल और ट्यूशन की पढ़ाई को छोड़ के अपने से 1 घंटे रोज सेल्फ स्टडी मिनिमम कीजिए। आपका पढ़ने का ग्राफ कांस्टेंट होना चाहिए या तो पॉजिटिव होना चाहिए, वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।